और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें जानने के लिए आवाज़ इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जयपुर की संस्कृति युवा संस्था और राजस्थान एसोसिएशन यूके ने संयुक्त रूप से एक अद्भुत और अनूठा कार्यक्रम हाथ में लिया है, जिसमें आज चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर मंदिर में प्रातः 11 बजे विद्वानों पंडितों द्वारा संस्कृति युवा संस्था के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा एवं सप्तनिक नीलम मिश्रा ने तिरंगे की विधि विधान से पूजा अर्चना की और विद्वान पंडितों ने देवताओं का आह्वान कर देश में सुख शांति की प्रार्थना की। इसके बाद तिरंगे झंडे की आरती की गई। इस अवसर पर सैकड़ों धर्मावलंबियों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। कार्यक्रम के आयोजक संस्कृति युवा संस्था के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने बताया कि भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे लाखों शहीदों ने बलिदान दिया और एक लंबा संघर्ष आज़ादी पाने के लिए हमें लड़ना पड़ा। इस आज़ादी के 75वें वर्ष में 15 अगस्त 2022 को लंदन के ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाहर जयपुर से रवाना होकर एक तिरंगा लंदन पहुँचेगा। इसके पूर्व इस तिरंगे को अमृतसर में जालियांवाला बाग के लिए रवाना करेंगे। वहां 12 अगस्त को तिरंगे की पूजा अर्चना और शहीदों को नमन का कार्यक्रम होगा। इसके पश्चात 13 अगस्त को यह तिरंगा लंदन के जरिए रवाना होगा, जिसे 15 अगस्त को लंदन के ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाहर राजस्थान एसोसिएशन यूके के पदाधिकारी आलोक शर्मा खंडेला और उनकी टीम राजीव खीचड़, दिलीप पुगलिया, अनुभव चौधरी, हरेंद्र सिंह जोधा, अजय ढांडिया स्वागत करेंगे और लंदन के समय अनुसार सुबह 10:30 बजे झंडारोहण करेंगे। लाखों जवानों ने शहीद हुए, आज़ादी के लिए जितना बड़ा संघर्ष हमारे लोगों ने किया और उसके बाद 75 साल के बाद में आज 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग। पूरा देश पूरी तरह खुश है कि हमारे देश की आज़ादी का जो लंबा सपना हमारे लोगों ने देखा था वो पूरा हुआ। 75 साल के संघर्ष में जो लोगों ने बलिदान दिया उनको हमने नमन किया है आज, और साथ ही आज तिरंगे की हमने पहली बार देश में पूजा अर्चना करी, क्योंकि ये तिरंगा वो तिरंगा है जो स्वाभिमान का प्रतीक है, हम लोगों की आन बान का शान का प्रतीक है। इस तिरंगे को आज यहाँ से रवाना कर रहे हैं और आज अमर जवान ज्योति और जयपुर शर्मा अलग अलग स्थान पर जाएगा। कल माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र इसको रवाना करेंगे, उसके पश्चात ये जाएगा सीधा जलियांवाला बाग, उसके बाद में जाएगा ये वहाँ से अहमदाबाद में, और इसके बाद वहाँ से रवाना करेंगे लंदन की ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और लंदन की ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहली बार हमारे राष्ट्रध्वज का वहाँ सम्मान होगा, वहाँ भी पूजन अर्चन होगा। राजस्थान एसोसिएशन यूके की ओर से संस्कृति युवा संस्था की तरफ से मिलकर के हम लोगों ने सामूहिक रूप से आयोजन किया है और ये इस बात के लिए है कि जिन अंग्रेजों ने हम पर राज किया उनकी पार्लियामेंट में जगह जाकर के हमारे तिरंगे का सम्मान होता है, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। और ये पहली बार देश में ऐसा आयोजन इस प्रकार का हो रहा है जिसमें कि हमने पहल करी है कि तिरंगे की पूजा अर्चना करिए, तो जहाँ जहाँ ये तिरंगा जाएगा वहाँ इसकी पूजा अर्चना का कार्यक्रम लगे यथावत रहेगा।